दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, इसी दौरान लोगों को जो सबसे अधिक समस्या आती है वो है बीपी यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित। यदि आप भी कुछ इसी तरह की समस्याओं से जूझते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पालक के पानी से जुड़े कुछ खास उपाय। जी हाँ, आयरन तत्वों से भरपूर पालक हर तरह से शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाती है। ऐसे में हमारे आयुर्वेद में उबले पालक के पानी के सेवन से शरीर की कई तरह की समस्याएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं उबली पालक के पानी के फायदों के बारे में। बढ़ेगी आँखों की रोशनी। आँखों से संबंधित रोगों के लिए पालक का पानी बड़ा फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए उबली पालक का पानी जरूर उपयोग करें। आँखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ ये मोतियाबिंद में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इसमें पाए जाने वाला ल्यूटीन और जेक्साथीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट आँखों के लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। बाल और स्किन में आएगा ग्लो। अगर आप पालक का नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो इससे आपकी स्किन और बालों में एक अलग ग्लो नज़र आने लगता है। पालक का पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद करता है, तो आपके शरीर से विषैले तत्वों को दूर करता है। इसके कारण ये शरीर में खून की चाल का नियमित करके ब्लड को भी साफ रखता है। इससे आपके चेहरे पर उगने वाले कील, मुहासों और एक्ने की समस्या भी दूर होती है। साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और आयरन बालों को मजबूती प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपको बता दें पालक में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार साबित होते हैं। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं या सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। एनीमिया की शिकायत होती है दूर। अगर आप एनीमिया या खून की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको इसके लिए पालक के पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। आपको बता दें खास तौर पर महिलाओं को इसके सेवन से फ़ायदा होता है। मासिक काल में महिलाओं में रक्त स्त्राव होने के कारण उनमें रक्त की कमी हो जाती है, जिससे पालक का पानी उन्हें फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पालक में आयरन की भरपूर मात्रा होती है जो रक्त में ऑक्सीजन बढ़ाने और हीमोग्लोबिन के लेवल को सुधारने में सहायक होती है। पेट के लिए है रामबाण। पालक के पानी में ऐसे गुण होते हैं जो आपके पाचन क्रिया को सही रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें डाइट्री फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाती है, जिससे आपको हाजमा तो सही रहता ही है, साथ ही साथ आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल। आपको बता दें पालक में पाए जाने वाला नाइट्रेट नामक कंपाउंड आपके शरीर में मौजूद रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मददगार होता है, इसलिए इसका उपयोग बीपी वालों को फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें उपस्थित मैग्नीशियम पोटेशियम भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए यदि आप हाई बीपी से ग्रसित हैं तो इससे आपको दिल के जोखिम को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों आइए जानते हैं पालक का पानी बनाने के तरीके के बारे में। दोस्तों पालक का पानी बनाने के लिए सबसे पहले पालक को साफ करके अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद यदि 1 किलो पालक ली है तो इसे 1 कप पानी में डालकर उबाल लें, फिर इसे छानकर एक साफ गिलास में भर लें। इसके बाद इसमें काला नमक डालकर सेवन करें। चाहे तो इसमें पुदीना और जीरा पाउडर भी मिलाया जा सकता है। आपको बता दें पालक की तासीर ठंडी होती है,
इसी के साथ इसमें यदि पुदीना मिला दिया जाए तो ये सेवन के लिए और अधिक फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।